मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से अच्छा बताने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अब भोपाल इंदौर को न्यूयॉर्क से भी ज्यादा स्वच्छ शहर बताया है। शिवराज ने ये बयान 7 दिन की अमेरिका यात्रा से भोपाल लौटने पर दिया। शिवराज ने कहा कि वो अच्छे को डंके की चोट पर अच्छा कहेंगे। कांग्रेसी आज भी गुलामी में जी रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने देश की अच्छाई को अच्छा कहने में संकोच होता है। एमपी की सड़कों को अमेरिकी सड़कों से अच्छा बताने पर कांग्रेस ने सड़क पर राजनीति की। भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता एमपी नगर में एक खराब सड़क के गड्ढों पर बैठ गए और सीएम शिवराज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने कहा कि बड़बोले बयान देकर शिवराज एमपी को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस के इस प्रदर्शन की वजह से जाम लग गया, सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहीं। राजधानी भोपाल में खादी ग्रामोद्योग के एक कार्यक्रम में एमपी के 2 मंत्रियों ने रैंप पर अपना टैलेंट दिखाया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस कैटवॉक करती दिखी। अर्चना चिटनिस को कैटवॉक करता देख मंत्री अंतर सिंह भी खुद को नहीं रोक सके। इसके बाद उन्होंने भी कैटवॉक किया। एमपी के रायसेन से एक रोड एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है। रायसेन सागर स्टेट हाईवे पर रॉन्ग साइड चल रही बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। बाइक पर 3 लोग सवार थे, 3 लोग घायल हो गए जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। टोल कंपनी के लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत में एक युवक को भोपाल के अस्पताल रेफर किया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश में एक कैदी की मौत हो गई। शाहगंज के रहने वाले शोएब को पुलिस राजकोट एक्सप्रेस से ले जा रही थी। स्टेशन के आउटर पर कैदी ने चलती ट्रेन से भागने की कोशिश में छलांग लगा दी, लेकिन उसकी मौत हो गई। कैदी को ले जा रहे दोनों पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। एमपी के नीमच में राहुल बंजारा नाम के युवक की गोली लगने से मौत हो गई। हत्या के पीछे छात्र संघ चुनाव के विवाद को कारण माना जा रहा है। मामले की जांच को लेकर मृतक छात्र के परिवार वालों ने नीमच सिंगोली मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। राहुल के परिवार के लोग हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। वहीं एसपी का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान के बारा में पार्वती नदी में अवध खनन के दौरान मिट्टी ढहने से बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी ढहने से 6 मजदूर दब गए, जिनमें से एक की मौके पर मौत हो गई, बाकी 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। इलाके में अवैध खनन के चलते पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। राजस्थान के टोंक में ब्लू व्हेल गेम के चक्कर में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कक्षा 10 में पढ़ने वाला छात्र कई दिनों से ब्लू व्हेल गेम के चक्कर में फंसा हुआ था और गेम के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर उसने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की पुष्टि नहीं की है। राजस्थान के चाकसू में नेशनल हाईवे पर ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रॉली में भरे ईंटें हाईवे पर बिखर गईं, जिससे कुछ देर तक हाईवे पर जाम लग गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिवार वालों को शव सौंप दिया है। जयपुर के बागावास गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। विवाद में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से रेनवॉल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से एक महिला समेत 3 लोगों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया।